यकम मई लेबर डे के तौर पे मज़दूरों का दिन मनाया जाता है और इस पे छुट्टी की जाती है। छुट्टी कौन करता है? अमीर छुट्टी करता है, गरीब जो है वो मुसलसल मेहनत करता रहता है। इवन ऑन दी लेबर डे उस दिन भी मज़दूरी करता है, चूँकि वो मज़दूरी अगर ना करे लेबर डे पे, जो दिन उसके लिए मनाया जाता है, तो वो उसका घर कैसे चले, वो अपने बच्चों को फीड कैसे करे, गुजर बसर ही नहीं हो सकता उसका। ये बहुत बड़ी ट्रेजडी है। यानी ये मैं समझता हूँ कि ये एक इस जदीद दुनिया का बहुत बड़ा फ्रॉड है कि ये आप दिन मनाते हैं उस गरीब का, उस मज़दूर का, जिसका स्टेक है, उसको छुट्टी कहाँ है? वो तो छुट्टी मना ही नहीं सकता, क्योंकि उसके जो ज़राए हैं वो उसको अलाउ ही नहीं करते, उसके पास इतने सोर्सेज ही नहीं हैं कि वो अपना निज़ाम चला सके। और उसके दिन के नाम पर अमीर छुट्टी करता है, सरमायाकार छुट्टी करता है, सरमायादार छुट्टी करता है। और ये बहुत बड़ा तमाचा है इटसेल्फ, ये कैपिटलिस्ट और कैपिटलिज्म के नाम के ऊपर। अगर आपने वाकई ही आपको कोई हमदर्दी है और आप यकजहती करते हैं, करना चाहते हैं मज़दूरों के नाम पर, तो मज़दूरों के जो मियार ज़िंदगी है उसमें कोई बेहतरी लाएं, उनका जो लिविंग है उसको बेहतर करें, उनकी को माली उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करें मज़दूरों के लिए, लो इनकम जो ग्रुप हैं उनके लिए कोई हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाएं, उनको घर बना कर दें। वो किराए के घरों में रह रहे हैं, झोंपड़ों में रहते हैं, और उनको अच्छी एजुकेशन जो है उसके मौके प्रोवाइड करें, उनके लिए बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करें, ताकि वो इज़्ज़त से अपना रोज़गार कमा सकें। और फिर उनको अच्छी हेल्थ की सहूलतें प्रोवाइड करें, और ऐसे हालात बनाएं जैसे एक रियासत को करने चाहिए। रियासत का काम है कि वो इस तरह लुक आफ्टर करें जिस तरह घर में माँ बच्चे की लुक आफ्टर करती है, देखभाल करती है, इस तरह लुक आफ्टर करें, तो ये फिर कुछ शायद हक अदा हो सके। अदरवाइज़ जो है मज़दूर को तो प्रैक्टिकली आपका लेबर डे मनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। आपने अगर वाकई हमदर्दी है दुनिया भर के में अमीरों से, जो कैपिटलिस्ट हैं उनसे मुखातिब हों, जो सरमायादार हैं और सरमायाकार हैं, सब से मैं मुखातिब हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई उनके कंधे पे, उनके सर पे जो बोझ है उसको कम करें, उनकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको ऑन करें, उनके ऊपर अगर कोई कर्ज़ है तो उसको अदा करें, और उनके जो गुज़र बसर के ज़राए हैं उनको बेहतर करें, उनकी मदद करें, उनको घर दें, उनको रोज़गार दें, उनके बच्चों को तालीम दें, और उनके बच्चों की शादियों का इंतज़ाम करें, और जो उनकी उनको हेल्थ की उनकी ज़रूरियात हैं उसको पूरा करें, हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो बेहतर करें। जो ख़राब सूरत हाल है जो शोबे हेल्थ में, शोबे सेहत की जो है इसको बेहतर करें, आपका इसमें फ़ायदा है। क्योंकि जो बड़ा आदमी जब एमरजेंसी में ज़रूरत पेश आती है उस वक्त, तो उसको इसी घिसे पिटे जो निज़ाम है सेहत का और हेल्थ का जो शोबा है, इसी में जाना पड़ता है, और फिर आपको टूटे हुए स्ट्रेचर पर डालते हैं, और आपको फटे हुए बेड मिलते हैं, और वो जो आप गरीबों के लिए और आम तबके के लिए जो आपने बिल्कुल पसमानदा सहूलतें रखी होती हैं, अल्टीमेटली आप ही को वहाँ उन सहूलतों से आपका सामना भी करना पड़ता है और आपको उन्हीं पे गुजारा करना पड़ता है। इससे क्योंकि जब एमरजेंसी होती है तो उस वक्त आप फ्लाई नहीं कर सकते टू यूके अमेरिका, कि अब आप समझते हैं कि जी जब हमें हेल्थ की ज़रूरत होगी तो हम फैसिलिटीज़ हम तो बाहर से ले लेंगे, तो ये ऐसा मुमकिन नहीं होता। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो उस वक़्त और लोग होंगे जो आपको हेल्थ के लिए आपको उठा कर ले कर जाएँगे, तो इसलिए बेहतर है कि जब आपके पास इख्तियार हो
जब आपके पास इकतदार हो, आपके पास कुर्सी हो, तो उस वक्त इसके हेल्थ का जो निज़ाम है इसको बेहतर करें और रोज़गार लोगों को दें और मियारी ज़िंदगी लोगों को बेहतर करें। उसमें मज़दूर भी है, उसमें गरीब भी है, उसमें किसान भी है, लोअर मिडिल क्लास भी है और मिडिल क्लास भी है और अपर मिडिल क्लास भी है। ये सारे ऊपर सिर्फ 1% 2% लोग हैं जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। वो मुबर्रा हो गए हैं, वो बड़े हो गए हैं, उनके पास जो भी पॉलिसी गरीब के लिए बनती है पैसा उनके घर में जाता है। जो इतवार बाज़ार, जुमा बाज़ार, सस्ता बाज़ार लगता है करोड़ों अरबों रुपए उसके खाते में अमीरों के घर चले जाते हैं। गरीब को एक आना, एक रुपया, दो रुपये वो सस्ता देते हैं, उतनी क्वालिटी कम कर देते हैं। अगर फ़र्ज़ किया उसको 2 रुपये किसी चीज़ में बचत दी गई है तो उसकी 10 रुपये की, 20 रुपये की उसकी क्वालिटी डाउन कर दी गई है। तो ये जुल्म ना करें, अपने माशरे के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए अच्छा सोचें, उनकी खिदमत करें। आप लोग जो हम पर हुकूमत करते हैं, हुकूमत करने का हक आप पर आपका नहीं है, आप हमें खिदमत के लिए आते हैं। जो निज़ाम है, जमहूरियत है कि आप अपने लोगों की खिदमत के लिए चुने जाते हैं, ना कि हमारे ऊपर हुकूमत करने के लिए चुने जाते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।